क्या आप भी इंडियन गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और आपको ऑनलाइन अप्लाई करने नहीं आता है, तो ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ कि किस तरीके से आप इंडियन न्यू कनेक्शन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप इंडियन न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में दुकान वाले के पास जाते हैं या साइबर कैफे में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 100 से लेके 150 रुपीस आपको चार्ज कर देता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, और वो आपको देना पड़ता है। या आप गैस एजेंसी में जाके ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको पैसा लगेगा ही लगेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, आप किस तरीके से इंडियन न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, वो भी बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए। जैसे ही आप एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, इसके बाद ही आपको इंडियन गैस एजेंसी जाना है, वहाँ पे आपको पासबुक मिलेगा, इसके बाद आप गैस का लेन देन कर सकते हैं। तो कैसे आप इंडियन न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, बस ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली ज़रूर देखिएगा, तभी आप सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप इंडियन न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नया गैस कनेक्शन अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ न्यू कनेक्शन पे ओके करेंगे। पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप अपना फर्स्ट नेम, यहाँ से लास्ट नेम, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यहाँ दीजिए या नहीं दीजिए, इसके बाद कैप्चा को एक्सेप्ट इसे फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ प्रोसीड पर आपको ओके कर देना है। अब आप जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर अभी एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालकर यहाँ वेरीफाई करना है। वेरीफाई होते ही यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बोल रहा है कि यहाँ पर आप एक न्यू पासवर्ड बना लीजिए, जिसमें एक नंबर हो, एक स्पेशल करेक्टर हो और कोई अंक हो। जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा, तो यहाँ पर आप डालिए इंजीनियर राजा @123। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड दोबारा से डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर सबमिट करना है। देखिए ये आपका सक्सेसफुली सेट हो गया है। और यहाँ पर बोल रहा आपको पासवर्ड सेव करने के लिए नेवर, तो चलिए हम यहाँ से नेवर कर देते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के यहाँ कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो पासवर्ड आप अभी जनरेट किए थे। इसके बाद सिंपली यहाँ कैप्चा को फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ आपको सबमिट कर देना है। लॉगिन होते ही यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे अगर आप एलपीजी कनेक्शन को लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सबमिट केवाईसी पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, यहाँ पर जैसे पर्सनल डिटेल आपको डालनी पड़ेंगी। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट यहाँ पे मिस्टर मिसेज या MRS जो भी है वहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ मिडिल नेम, यहाँ लास्ट नेम, इसके बाद यहाँ जेंडर आपको यहाँ से चूज कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। यहाँ मैरिड स्टेटस चूज करना है, मैरिड है या सिंगल है। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, यहाँ पर नेशनलिटी चूज करना है, कहाँ से है, इंडिया से है या इंडिया से बाहर से, तो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि रिलेटिव फादर स्पोज यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से रिलेटिव चूज करने के बाद यहाँ से अगर चाहे तो यहाँ फादर का डिटेल भी दे सकते हैं, यहाँ स्पाउस पत्नी का भी डिटेल यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मदर नेम डालना है, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको एड्रेस डालना है, यहाँ दोनों में आपको फर्स्ट में और थर्ड वाले में, सेकेंड और थर्ड वाले में आपको एड्रेस डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंडमार्क डालना है, जो भी जो प्रसिद्ध जगह होते हैं तो वो डालना है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली आपको एड्रेस, टाउन, कस्बा का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पिन कोड, जो भी पिन कोड दिया आपको यहाँ पे, यहाँ पिन कोड डाल देना है।
स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रीब्यूटर के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है इसका डिस्ट्रीब्यूटर का नाम डालना है, इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि सेलेक्ट द प्रोडक्ट, सेलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखलाया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल स्कीम, या इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं कि आपको जनरल वाला स्कीम चाहिए, नॉन जनरल वाला कोई स्कीम चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप नॉन सब्सिडी चूज करेंगे, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4.2 केजी का जनरल पैकेज में आपको चाहिए या 5 केजी का चाहिए। तो चलिए मैं 14.2 केजी का हमको सिलेंडर चाहिए। इसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, या अगर आप सब कुछ सही तो इसके बाद यहाँ सेवन कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमको एक आईडी प्रूफ देनी है। आईडी प्रूफ यहाँ से आप ड्राइविंग लाइसेंस, इसके बाद वोटर आईडी, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप आधार का यू आईडी भी दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली यहाँ पैन कार्ड को चूज कर लेते हैं। पैन कार्ड के यहाँ पर आपको नंबर भी डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एड अटैचमेंट, मतलब इसका जो पैन कार्ड दिए हैं इसका आपको प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मैं अटैचमेंट पर क्लिक किया तो यहाँ देख रहे हैं चूज फाइल, आपको यहाँ देख रहा है कि PNG, JPG, GIF, BME, PDF फाइल में होना चाहिए और इसका मैक्सिमम साइज 512 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सिंपली अपलोड। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि इमेज पैथ को ओके। यहाँ से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो इसके बाद ये सिंपली सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सेलेक्ट वन प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो भी है तो उसका भी आपका एक प्रूफ यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी का देखना पड़ेगा, राशन कार्ड, वाटर बिल, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, रेंट, वोटर आईडी कार्ड, LIC पॉलिसी, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, पासपोर्ट, तो आपको जो भी है उसमें से आप उसको चूज कर लेंगे। इसके बाद सिंपली उसका नंबर भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो भी वोटर आईडी का हम डाले हैं इसका भी आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो इस पर अटैचमेंट पर जाइएगा, यहाँ भी देख रहे हैं कि 500 KB में आपको लिया जा रहा है PNG, JPG, GIF फॉर्म और PDF फाइल, तो फाइल को यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली सेव कर देना है। तो दोनों फाइल मेरा सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर जा रहे हैं सेवन कंटिन्यू। तो आपका फाइल कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका PNG कस्टम है, तो यहाँ पर पाइप्ड नेचुरल गैस है तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर है, अगर आपको सब्सिडी नहीं चाहिए तो यस करेंगे, अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो नो करेंगे, तो हमें चाहिए तो हम नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चलिए हमको सब्सिडी नहीं चाहिए तो हम यहाँ यस कर देते हैं। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो यहाँ से आप स्टेट चूज करेंगे और यहाँ पर आप राशन कार्ड का नंबर डालेंगे, अगर नहीं तो इसको ऐसे ही आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद नीचे आइए। नीचे आने के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पैन नंबर का है, तो अपनी यहाँ पैन नंबर डालिए। इसके बाद यहाँ पे पैन नंबर को, जो अगर आपका किसी अदर का है जैसे कोई गार्जियन या कोई आपका वाइफ वगैरह, तो इसका पैन नंबर यहाँ पे आप डालिए और आप अपना पैन नंबर इसको यहाँ पे डालिए। इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। एड अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फ़ोटो चूज करना है जिसका 512 KB में होना चाहिए, PNG, JPG, GIF और BM, PDF में। तो फोटो डालने के बाद सिंपली यहाँ कर देना है सेव। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कर देना है सेवन कंटिन्यू। तो इस तरह से आपका यह फॉर्म फिलअप होकर आ जाएगा। आपको डिक्लेरेशन देना होगा, जैसे आप इंडियन सिटीजन है, आपका एज 18 साल से ज़्यादा है और आप जो कनेक्शन ले रहे हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक कुकिंग के लिए यूज किया जाएगा, मतलब कि इसको कमर्शियली यूज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के आप डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि आप मेरा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको क्या करना है, अगर चेक करने के लिए लॉगिन स्टेटस पे जाके क्लिक करके वहाँ से हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यहाँ लोकेलिटी पर जाके आप अपने पूरे जो डिटेल भर रहे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, या इसको देख रहे हैं कि यस द इंफॉर्मेशन इज राइट, इसको आप क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से यहाँ आपका लिखा गया थैंक यू फॉर सबमिट डिटेल, आपका ये जो डिटेल भरे वो बहुत सिंपल तरीके से जो राइट है वो सबमिट कर लिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि डाउनलोड फॉर्म, यहाँ से जाके इसको फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से इसको आई एम नॉट रोबोट
रोबोट, तो इसको टिक मार्क करना है। इसके बाद यहाँ देख रहा है ब्रिज का ऑप्शन है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ जहाँ ब्रिज है, इसको फाइनली सबमिट, यहाँ पे आपको जाके सबमिट कर देना है। और यहाँ पे लोकेलिटी पे जाके आप देख रहे हैं कि आपका ये कार्ड भी मिल गया है, जो कार्ड नंबर आपका ये है, तो ये आपका पूरा कार्ड नंबर हो गया है। इसके बाद ये आपका नाम हो गया है, इसके बाद ये इंडियन गैस है। इसके बाद यहाँ चेक हेयर टू इंडोरमेंट भी जाकर चेक भी कर सकते हैं, और नीचे जो दिख रहे हैं कि आईवीएस नंबर है, एसएमएस अलर्ट है, ये सब ये नंबर है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप इंडियन गैस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा 15 दिन में, और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ भरे थे उसका फ़ोटो कॉपी लेके जाइएगा वहाँ पे, तो आप वही जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसी तरह बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडियन गैस के लिए। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से आप इंडियन न्यू गैस कनेक्शन के लिए आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।